हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर फाइव डाटा हैंडलिंग ऑफ क्लास एट फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड व्हाट इज डाटा डाटा होता क्या है स्टार्ट इन योर डे टू डे लाइफ यू माइट हैव कम अक्रॉस इंफॉर्मेशन सच है कहता हम अपनी रूटीन की लाइफ में बहुत सारे हमारे पास इंफॉर्मेश हमारे पास आती हैं है ना रन्स मेड बाय अ बैट्समैन इन लास्ट टेन मैच ट्वेंटी मैच वट एवर द वैल्यू इज गिव कहता रन्स किसी बैट्समैन के लास्ट टेन मैच के अगर मैं कलेक्ट करना चाहूँ तो ये मेरे लिए क्या होगी एक इंफॉर्मेशन होगी ठीक है नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन द लास्ट टेन ऑडिज अब कहता नंबर ऑफ विकेट्स किसी बॉलर ने लास्ट टेन में कितनी नंबर ऑफ विकेट्स ली होंगी ठीक है अब मार्क्स स्कोरड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास इन द मैथमेटिक्स यूनिट्स अब यहाँ पे भी कोई भी यूनिट हो सकती है, जहाँ पे मैथ्स दे रखा है ना मार्क्स कितना स्कोर किए स्टूडेंट्स ने सिर्फ यहाँ पे मैथ्स के यूनिट की बात की है यहाँ कोई और सब्जेक्ट भी हो सकता है अगर ये भी कलेक्ट करना चाहें तो ये क्या होगी ये भी हमारे पास डाटा होगा अब जैसे कि आप लोग टेस्ट देते हो तो टीचर ने मार्क्स नोट किए तो टीचर ने अपने पास क्या रखा डाटा रखा उस चीज का नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स अब ये भी ये हो गया कथा आपके फ्रेंड्स ने कितनी स्टोरी बुक्स रीड की हैं अगर ये भी कोई कलेक्ट करना चाहे तो ये भी क्या हो गया डाटा हो गया सो यू विल राइट द डेफिनेशन ऑफ डाटा डाटा इज इक्वल्स टू क्या होता है द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय अस इज कॉल्ड डेटा कि जो इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा कलेक्ट की जाती है उसे डाटा बोलते हैं द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय अस इज कॉल्ड डाटा डाटा की डेफिनेशन आप लोग यहाँ पर लिख लो गए राइट अब नेक्स्ट देखो अब डाटा कलेक्ट करने के लिए भी हमारे पास टाइप्स होती थी कि डाटा कैसे कैसे कलेक्ट कर सकते हैं ये सारे टाइप्स हमने पहले ही करे हुए हैं हम रिवाइज़ करेंगे अब यहाँ पे उसने बोला है तो डाटा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास आइडियाज़ थे आइडिया सबसे पहला आइडिया पिक्टोग्राफ लोअर क्लासेस में हमने सबसे पहले क्या किया था पिक्टोग्राफ पिक्टोग्राफ में क्या होता है एक तो ये होता है कि अगर उसने हमें कुछ हमें रिप्रेजेंट करने के लिए दे ही रखा है जैसे यहाँ पे अब कार्स दे रखे हैं अब देखो उसने जुलाई में दे रखी हैं आपको ऐसे यहाँ पे दो कार्स बना रखे हैं यहाँ पे एक हाफ सी कार बना रखी है ठीक है अब यहाँ पे उसने दे रखा है वन इक्वल्स टू हंड्रेड कार्स कहता अगर एक कार है तो वो हंड्रेड कार्स हैं अब जुलाई के मंथ में अगर मैं सोचती कि मैं यहाँ पे कार्स ही बना देती हूँ ये लिखना छोड़ तो कितनी कार्स बनाते टू फिफ्टी कार्स थोड़े बनाते हैं यहाँ पर तो उसको इजी कर लिया उसने एक कार को सिंबल रख लिया कि हंड्रेड कार्स अब ये हंड्रेड प्लस ये हंड्रेड टू हंड्रेड हो गया और ये हाफ बना दी उसने तो ये बन गया टू फिफ्टी क्योंकि पूरी हंड्रेड की थी हाफ कितने क्योंकि 50 की होगी फिफ्टी कार्स मैंशन करेगी ये हो गया टू फिफ्टी यहाँ इसमें थ्री हंड्रेड था तो तीन कार्स बना दी सेप्टेम्बर में उसने फोर बना दी और क्वेश्चन मार्क दे दिया तो यहाँ पे अगर फोर है तो फोर को हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे कितनी आ जाएगी फोर हंड्रेड अब उसने पूछा हाउ मेनी कार्स वर प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई अब कहता है कितनी कार्स जुलाई के मंथ में प्रोड्यूस हुई है तो यहाँ से हम देख लेंगे कितनी है टू फिफ्टी इन विच मंथ वर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस कहता किस मंथ में सबसे ज्यादा कार्स प्रोड्यूस हुई है तो किस में हुई हैं सेप्टेम्बर में ये पिक्टोग्राफ है राइट right? सबसे पहले आप क्या लिखोगे सबसे पहले तो डाटा की इंफॉर्मेशन लिखोगे मैंने आपको टिक करवाई थी आप पोज करो वीडियो यहीं पे बैक जाओ और डेटा की लिखो डेफिनेशन ठीक है उसके बाद आप लिखोगे टाइप्स टू रिप्रेजेंट डेटा आगे लिख लो ग्राफिकल टाइप्स ठीक है क्योंकि अब भी हमें सारा क्या करना है ग्राफिकल करना है तो यहाँ लिख लेना ग्राफिकल टाइप्स टू रिप्रेजेंट डेटा सबसे पहली टाइप मैंने आपको क्या बताई पिक्टोग्राफ फर्स्ट इज पिक्टो ग्राफ राइट right? उसके बाद अब हम करेंगे बार ग्राफ बार ग्राफ में हम लोग डेटा रिप्रेजेंट करते हैं बार्स के थ्रू राइट right? बार्स के थ्रू अब ये बिल्कुल आपने स्केल और पेंसिल लेके बनानी है तो ये ऐसे दिस ये हमें करनी होती है क्लोज आरोज़ के साथ यहाँ बनाते हैं ज़ीरो इसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिन राइट ये हमारी होती हैं वाई एक्सिस और ये हमारी होती हैं एक्स एक्सिस इसे हमें लिखना होता है सबसे पहला काम जब भी ग्राफ बनाते हैं तो सबसे पहला काम ये करो अगर नहीं लिखते हैं तो इनके हाफ मार्क्स कट जाते हैं हमारे अभी देखो यहाँ पे बार्स यहाँ पे अब आपको आपके पास ग्राफ पेपर आपने देखने हैं अब ग्राफ पे देखोगे तो यहाँ पे आपके पास छोटी छोटी लाइंस बना रखी होती हैं छोटी छुट छोटी ग्रीन लाइंस ठीक है एक तो डार्क होती है थोड़ी लाइट होती है, ऐसे होती हैं वन टू थ्री ये फोर्थ थोड़ी लाइट होंगी जो फिफ्थ वाली होगी ना वो थोड़ी डार्क होगी ऐसे राइट मतलब तो पूरी होती हैं मैं छोटी छोड़ छोटी बना रही हूँ अब फिर से क्या होगा वन टू थ्री फोर एक फिर से डार्क होगी सिमिलरली वन टू थ्री फोर फिर से डार्क होगी वन टू थ्री फोर देन अगेन डार्क डार्क ऐसे सिमिलरली इस साइड भी होगा वन टू थ्री यहाँ ये डार्क होगी वन टू थ्री फोर ये डार्क होगी वन टू थ्री फोर ये डार्क होगी वन टू थ्री फोर फिर ये डार्क होगी ऐसे अब हमें यहाँ पे गैप इक्वल लेना होता है मतलब अगर मुझे फाइव फाइव का डिस्टेंस छोड़ना है तो मैं फाइव फाइव का डिस्टेंस छोड़ दूँगी राइट तो यहाँ पे हम लोग करेंगे अगर ये मैं इतना ले लूँ मान लो ये वन है ये टू है ये मेरे पास थ्री है है ना ये हमारे पास फ़ोर है इधर हमारे पास मान लो मार्क्स दे रखे हैं आपको वन टू तो थ्री फोर अब मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं किया है मान लो मैथ्स के आपको दे रखे हैं मैथ्स के स्कोर दे रखे हैं उसने थ्री किसी के किसी बच्चे के स्टूडेंट के हमें मार्क्स दे रखे हैं मैथ्स के अब यहाँ क्या करेंगे इसको ऊपर तक लेके जाना है कहाँ तक थ्री तक क्योंकि कितने मार्क्स हैं थ्री यहाँ क्लोज के ये बिल्कुल इसके यहाँ ऐसे होना चाहिए ये हो गया उसके मैथ्स के राइट अब मान लो हिंदी में से उसके टू मार्क्स हैं ऐसे इतना छोड़ दिया ये उसके हिंदी के मार्क्स हो गए ठीक है फिर वन लगा लो उसके इसी पंजाबी में से लगा लो ऐसे आगे भी दे रखे होते तो आगे बनाते तो ये बार ग्राफ है यहाँ पे मैंने लिखे सब्जेक्ट्स और यहाँ पे हमने लिखे हैं मार्क्स ये भी हमारे पास लिखना ज़रूरी होता है इससे बोलते हैं हम लोग ग्राफ राइट अब आप इसको ऐसे ही बनाओगे बार ग्राफ आप लोग तो ये चीज़ नहीं बनाओगे ये मैंने आपको समझाने के लिए की है बार ग्राफ इसकी जगह पे आप जो बनाओगे वो मैं आपको बताती हूँ ड्रॉ करो बिल्कुल स्केल और पेंसिल के साथ ही स्ट्रेट लाइंस लगा लो ऐसे ही ठीक है यहाँ वाई लिखो ओरिजिन लिखो इधर एक्स लिख लेना राइट अब यहाँ पे इक्वल स्पेस लेके अपने आप से इक्वल स्पेस लेना जैसे अब मैंने आपको बताया है आप ज़रूरी नहीं आप दो दो लाइन्स छोड़ो बस गैप इक्वल छोड़ना इसमें गैप होना चाहिए इसको बार ग्राफ बोलते हैं यहाँ लिखोगे आप बी ठीक है आगे फिर से बना लो छोटी बनाओ लाइन बड़ी बना लो जैसे मर्जी इक्वल गैप के साथ ए फिर लिखो आगे आर बार हो गया नेक्स्ट फिर बनाओ जी थोड़ी छोटी बना लो अब आर इससे भी छोटी बना लो ए नेक्स्ट बनाओ पी यहाँ बना लो एच दिस इज कॉल्ड बारग्राफ बारग्राफ में क्या होती है स्पेस होती है हमारे पास इक्वल स्पेस राइट ये हो गया हमारे पास बार ग्राफ अब हमारे पास आता है नेक्स्ट डबल बार ग्राफ ठीक है ये आपने क्या करना है विद पेंसिल ड्रॉ करना है ये बी हो गया ये ए हो गया आर इसमें आप अगर इसको अच्छा करना चाहते हो आप कलरिंग कर लो डेकोरेशन के लिए राइट right? कोई भी पेंसिल कलर डोंट यू स्केच कलर्स पेंसिल कलर कर लो ठीक है नेक्स्ट लिखो डबल बार ग्राफ ये हमारी थर्ड टाइप है डबल बार ग्राफ इसमें क्या होता है हम लोग दो सेट्स का डाटा रिप्रेजेंट करते हैं यहां पे आप लिखो अ ग्राफ शोइंग टू सेट्स ऑफ डाटा साइमल्टेनियसली राइट अ ग्राफ शोइंग टू सेट्स ऑफ डाटा साइमल्टियसली एस आई एम यू एल टी एन ई यू एस एल वाई साइमल्टेनियसली इसका मतलब एक ही ग्राफ पे हमने कोई दो डाटा रिप्रजेंट करने हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे उसने दे रखा है दो सेमेस्टर दे दिए फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर ठीक है तो किसी स्टूडेंट के अब हमें फर्स्ट सेमेस्टर के और सेकेंड सेमेस्टर के मार्क्स को क्या करना है नोट करना है तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग अब यहाँ पे जैसे मैंने वहाँ पे किया था उसको अब फाइव लाइंस का ये होता है हमारे पास ठीक है मान लो ये हो गया वन टू थ्री फोर फाइव फाइव लाइंस का पूरा ये होता है एक के अंदर फोर लाइंस आती है हमारे पास ठीक है एक फाइव के बाद फोर लाइंस फिर से डार्क लाइन ऐसे होता है अब मैंने इसको डिवाइड कर लेना है वन टू थ्री ठीक है यहाँ तक ये मैं क्या करूँगी इसको क्योंकि कई बार क्या होता है कई बार होता है कि थोड़ा हो तो हम वैसे ही बना लेंगे लेकिन यहाँ पे अब क्या करेंगे अब यहाँ पे अगर मैं ऐसे ज़्यादा ज़्यादा स्पेस लेके बनाने लगूंगी तो हो सकता है डाटा ज़्यादा हो हमारा इस पर कम्प्लीट ना तो हम क्या करते हैं इस चीज़ को रिड्यूस कर लेंगे इधर भी कितनी लाइन्स छोड़ी होंगी फिर अब यहाँ पर अगर एक छोड़ें तो इसका मतलब यहाँ पर भी मुझे इतनी ही छोड़नी पड़ेंगी तो साथ में ही अब ये हो गया फर्स्ट सेमेस्टर में मान लो इधर मैंने लिख रखे हैं ये लिख लेते हैं हम लोग देखो टेन ट्वेंटी थर्टी हो गया ये फोर्टी होंगे ये फिफ्टी होंगे ये सिक्सटी मतलब अगर मैं ये कि ये मैथ्स के उसके मार्क्स हैं हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर में उसके सिक्सटी हों और आगे उसने फोर्टी दे रखे हों सेकेंड सेमेस्टर के मार्क्स तो ये हो गए उसके सेकेंड सेमेस्टर के मार्क्स पता चल गया अब इतनी ही स्पेस में हमने क्या किया इधर उतनी स्पेस हमने छोड़ दी है ठीक है उतनी स्पेस छोड़ दी नेक्स्ट वाली स्पेस में हमने एक सब्जेक्ट को ड्रॉ कर दिया यहाँ पे हो गया हमारा एक सब्जेक्ट ड्रॉ अब फिर से उतनी ही स्पेस छोड़ देंगे ठीक है जितनी इधर लाइन छोड़ी थी इधर बना रही हूं अब मैं ऐसी अब मान लो फॉर्टी बनाना है यहां आ जाओ ऐसे ही मान लो हिंदी के मार्क्स हैं फोर्टी थे फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड में कितने होंगे मान लो फिफ्टी होंगे आपको डेटा दे रखा होगा ठीक है ये हो गए हिंदी के मार्क्स ये डबल बार ग्राफ राइट ऐसे ही बनाते जाएंगे यहाँ क्या ये चीज क्या है सब्जेक्ट्स तो यहाँ पे आपने लिखना है सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपने एक्स ओ वाई ये हो गया सब्जेक्ट्स ये हमारे पास क्या थे मार्क्स ये सारी चीजें हमने लिखनी है छोड़नी है दिस इज कॉल्ड डबल बारग्राफ ये भी आप ड्रॉ कर लेना आपकी बुक में दे रखा है चाहे आप वैसे ही नॉर्मली ताकि आपको पता हो कि ये क्या है डबल बारग्राफ बना लेना नहीं बनाना तो जस्ट डेफिनेशन विच आई हैव टोल्ड यू बिफोर ओके ये कई बार हमें ड्रॉ करने के लिए आता है ड्रॉ बार ग्राफ डबल बार ग्राफ ठीक है कई बार हमें पहले से ही गिवन होता है हमें उसमें से क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट करने होते हैं नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग डेटा कितने हो गए थे हमारे पास थ्री टाइप्स हो गई थी ना पिक्टोग्राफ डबल बार ग्राफ नेक्स्ट है बार ग्राफ देन नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग डेटा ये फोर्थ टाइप हो गई हमारी अब यहाँ ऑर्गेनाइजिंग डाटा का मतलब क्या है कि हमें डाटा ऑर्गेनाइज करना है उसने हमें कुछ भी रफली दे रखा होगा उसे हमें अरेंज करना है ऑर्गेनाइज करना है फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास टीचर क्लास में आप लोग जब न्यू क्लास में एंटर करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास न्यू एडमिशन्स होती हैं ठीक है तो जो हमारे पुराने वाले रोल नंबर्स होते हैं अगर हमारा सेक्शन ऐसे ही शिफ्ट होता है तो हमारे रोल नंबर्स वैसे ही रहते हैं अगर उसमें न्यू एडमिशन्स हो गई तो न्यू एडमिशन्स की वजह से क्या होता है हमारा सारे रोल नंबर्स क्या हो जाते हैं तो क्योंकि अल्फाबेटिकली अगर अरेंज करने हैं तो वो सारा चेंज हो जाएगा अब उसको कौन ऑर्गेनाइज करेगा टीचर ऑर्गेनाइज करेगी सारा अब यहाँ पे वही चीज़ उसने दे रखी है एक क्लास टीचर ऐसे ऑर्गेनाइज कर सकती है ठीक है आप लोगों को अगर मार्क्स बोल दिया कि अपने मार्क्स लिखो जल्दी से आप लोग क्या कर रहे हो डेटा अपना मार्क्स का ऑर्गेनाइज कर रहे हो इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग डेटा राइट अब उस डेटा को हम लोग इस टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जैसे अब मार्क्स दे दिए उसने हमें सब्जेक्ट दे दिया मार्क्स दे देते हैं फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सब्जेक्ट उसने दे रखे होंगे ये मार्क्स हम काउंट करेंगे ये भी इधर से काउंट करके लिख लेते हैं ये मैं आपको बताऊंगी इसको एक तो टैबुलर फॉर्म भी होती है ये दूसरा इसको बोलते हैं फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो लास्ट टाइप आपकी होगी है ना लास्ट और फिफ्थ टाइप सॉरी फिफ्थ टाइप आपकी होगी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो ऐसे ही लिख लो आप अब देखो इसमें होता क्या है इसमें हमारे पास डाटा दे रखा होगा एम एन, एन पहले तो तीन अल्फाबेट्स कोई भी ले रही हूँ कि मेरे पास यही तीन अल्फ़ाबेट्स हैं अब तो ये होगा एम एम एन ओ o, एम o, फिर से एन ओ एम एम एन ओ एन एन ओ ऐसे अब उसने बोला इसको ऑर्गेनाइज करो अब सबसे पहले मुझे पता है या उसने बोल दिया टेबुलर फॉर्म में लिखो या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में लिखो ठीक है या टैली मार्क्स में लिखो अब सबसे पहले मेरे पास है अल्फाबेट्स तो मैं यहाँ लिख दूंगी अल्फाबेट्स पहला एम है फिर एन है मेरे पास फिर ओ है ठीक है बना लिए पहला कॉलम मेरे पास बन गई ये फिर होता है हमारे पास टैली मार्क्स लास्ट होती है फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है हमने सेवन्थ में किया है ये फ्रीक्वेंसी मीन्स द वैल्यू विच अक्कर मोस्ट नंबर ऑफ़ टाइम्स ठीक है नंबर ऑफ़ टाइम्स मतलब कोई भी चीज़ कितनी बार कर कर है उसे बोलते हैं फ्रिक्वेंसी अब एम दे रखी है उसने हमें एम हमें कितनी बार दे रखी है मुझे काउंट करना पड़ेगा वन टू थ्री फोर फाइव और नहीं है फाइव ही है अब एम के ऑपोजिट में लिखूंगी वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे नहीं लिखते फाइव क्या करते हैं हम लोग कट करते हैं फाइव तो इधर हम लिख फाइव अब एन दे रखा है एन काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव ये भी फाइव वन टू थ्री फोर फाइव कट कर दिया इधर भी लिख दिया फाइव एन के ऑपोजिट अब ओ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये सिक्स तो वन टू थ्री फोर फाइव दिस सिक्स ये हमारे पास हो गया ये हमारी होगी टैबुलर फॉर्म इसको बोलते हैं या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल राइट ऐसे ये हमारी हो गई ये आगे होता है हमारे पास लास्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुपिंग डाटा अब यहाँ पे भी ग्रुपिंग डाटा मींस कि आपको ग्रुप्स में डिवाइड करना है अब यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज दे रखी हैं आपको मार्क्स दे रखे हैं ये हमें फिफ्टी में से सिक्सटी स्टूडेंट्स के मतलब ये जितने टोटल हैं निक्सटी हैं किसी के ट्वेंटी वन होंगे किसी के टेन होंगे किसी के थर्टी होंगे ट्वेंटी टू होंगे थर्टी थ्री फाइव थर्टी सेवन लाइक दिस ये सब के मार्क्स दे रखे हैं आपको अब कहता लेकिन आपने क्या करना है ये ऐसे अगर लिखेंगे तो ये बहुत हमें क्या हो जाएगा टफ हो जाएगा कि किसके इतने हैं उनके इतने अब यहाँ पे हम क्या करेंगे एक ग्रुप बना लेंगे ग्रुप में क्या करना है आपको ग्रुप में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे ग्रुप्स या यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग क्लास इंटरवल इसको क्लास इंटरवल भी बोलते हैं क्लास इंटरवल राइट अब मार्क्स सबसे पहले हम देखेंगे लोएस्ट कि सबसे लोएस्ट मार्क्स क्या दे रखे हैं उसमें ढूंढ लेना है हमने कि सबसे लोएस्ट मार्क्स कौन से है और सबसे हाईएस्ट मार्क्स देख लेने हैं कितने हैं कहाँ से देखना है जो हमें यहाँ पे डेटा दे रखा है उसने अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो मुझे सबसे लोएस्ट तो सेवन ही लग रहे हैं राइट सेवन है सेवन से लोएस्ट कोई नहीं है यहाँ पे। और सबसे हाईएस्ट भी देख लो कौन सा है हाईएस्ट, 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 यहाँ फिफ्टी दे रखा है फिफ्टी से अब, अब है देखो जल्दी से फिफ्टी से अब नहीं है ढूंढ लिया हमने है ना लेकिन सेवन यहाँ दे रखा है लेकिन यहाँ पे फाइव भी दे रखा है मतलब फाइव सबसे लोएस्ट है अब यहाँ पे अब मेरी मर्जी है मैंने ग्रुप्स में डिवाइड करना है या तो मैं फ़ाइव फाइव का ग्रुप्स बना दूँ या मैं टेन टेन का बना दूँ या ट्वेंटी ट्वेंटी का बना दूँ तो ट्वेंटी ट्वेंटी का ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फाइव फाइव का लेना है टेन टेन का भी ले सकते हो अब यहाँ पर उसने जो हमें दे रखा ना वो टेन टेन तक का दे रखा है फर्स्ट ग्रुप उसने बनाया आपका जीरो टू टेन का अब ज़ीरो टू टेन का मतलब क्या है जीरो टू टेन का मतलब ये हुआ अगर उसने मुझे दे रखा है ज़ीरो टू टेन तो मुझे ये होती है हमारे पास अपर क्लास लिमिट ये सॉरी हो, ये होती है हमारे पास लोअर क्लास लिमिट और ये होती है हमारे पास अपर क्लास लिमिट ठीक है लोअर ये अपर अब स्टार्ट तो यहीं से करना है इस ग्रुप का मतलब ज़ीरो से टेन तक की वैल्यूज़ है ना लेकिन यहाँ पे हम टेन को काउंट नहीं करते टेन से एक नंबर लेस जो भी यहाँ पे लिखा होगा उससे एक नंबर लेस मतलब जीरो से लेके नाइन तक की वैल्यूज हम उसमें ढूंढेंगे कितनी है अभी यहाँ से फाइंड आउट करते हैं जीरो से नाइन एक तो मुझे सेवन ही मिली थी सेवन के बाद बाद में जब ढूंढी हमें फाइव मिली इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं यहाँ पे मतलब जीरो टेन से लेके टेन काउंट नहीं करते तो जीरो से नाइन तक कितनी वैल्यूज हैं टू तो यहाँ पर उसने कितने टैली मार्क्स बनाए हैं यहाँ पे टू टैली मार्क्स राइट इधर फ्रिक्वेंसी लिख दी टू अब ऐसे ही टेन टू ट्वेंटी फाइंड करो ट्वेन टू ट्वेंटी लिखा है लेकिन लेना कहाँ तक है हमें नाइनटीन तक तो टेन से लेके नाइनटीन तक पहले देखोगे टेन कितनी बार है इलेवन ट्वेल्व थर्टीन ये सारे नंबर्स उसमें काउंट कर लेने हैं ये टोटल होंगे टेन तो यहाँ पे उसने ड्रॉ कर दिया ऐसे ही हम लोग ड्रॉ करते जाएंगे ये हमारा बन जाएगा ग्रुपिंग डेटा तो ग्रुप्स में डेटा डिवाइड हो गया राइट इसको फ़ाइव फाइव में भी कर सकते ज़ीरो टू फाइव अब ज़ीरो टू फाइव अगर बनाती तो ज़ीरो टू फोर लेती है ना लेकिन ज़ीरो टू फोर तक कोई वैल्यू ही नहीं थी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आता इसको खाली छोड़ना पड़ता है ऐसे ज़ीरो फ्रीक्वेंसी कुछ भी नहीं है फिर मैं लिखती फाइव टू टेन अब फाइव टू टेन फिर नाइन तक वैल्यूज लेनी थी अब फाइव भी आता और सेवन भी आता फिर यहाँ टू आता ऐसे आपकी मर्जी है कि आपने कैसे उसको ब्रेक करना है ये हो गया हमारा ग्रुप्ट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अब एक होता है हमारे पास हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम में क्या होता है यहाँ पे आपने थोड़ा सा इसको ब्रेक देना होता है ठीक है इट्स नेसेसरी ये देखो लिखा भी हुआ है इसने चैकड लाइन और ब्रॉकल लाइन हैज़ बीन यूज अलोंग द हॉर्जोंटल लाइन टू इंडिकेट दैट वी आर नॉट शोइंग द नंबर्स बिटवीन ज़ीरो टू ट्वेंटी उसने ऊपर जो भी दे रखा है उसके अकॉर्डिंग मतलब ये क्या होती है हमारे पास एक ब्रॉकन लाइन होती है अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इक्वल गैप होता है अब यहाँ उसका यहाँ तो जीरो ही होगा अब लेकिन यहाँ उसने स्टार्ट कहाँ से किया ट्वेंटी से इसका मतलब इसमें अब ट्वेंटी ट्वेंटी का गैप होना चाहिए था ट्वेंटी फिर यहाँ फोर्टी होता फिर यहाँ लेकिन उसने क्या किया इसको लिखने का लाइन का मतलब ही यही होता है कि ये जीरो से ट्वेंटी का गैप हम क्या करें ये देखो लिखा है ना उसने नोट शोइंग कि हम नहीं यहाँ पे शो कर रहे हैं तो उसने यहाँ पे लाइन इंडिकेट कर दी हिस्टोग्राम में ये चीज़ एक ये चीज़ ध्यान रखनी दूसरा यहाँ पे यहाँ पे देखो इसमें स्पेस नहीं है नहीं है ना तो ये क्या होता है हमारे पास हिस्टोग्राम इसको भी आप ड्रॉ कर लोगे पहले लिखोगे आगे टाइप जो भी चल रही है हमारी नंबरिंग उसको फिर लिखो हिस्टोग्राम बनाओगे कैसे ये मैं बता रही हूँ आपको अब हिस्टोग्राम में क्या करोगे फिर से बनाना तो वही है आपने विद पेंसिल ये वाई एक्स और ये ओ ये नहीं छोड़ना सबसे पहला काम जब भी ग्राफ ड्रॉ करते तो यही करना है ठीक है अब हिस्टोग्राम में एक तो ये आपने करनी है ये पहले अब यहाँ पे मेरा कलर थोड़ा वो है तो आप पेंसिल से इसको क्या करोगे से ब्रोकन सा कर लोगे ठीक है अब यहाँ पे गैप उतना ही लेना है मतलब ये चीज़ उतनी ही रखनी है आपने अब यहाँ पे लिखोगे हिस्टोग्राम बनाना ना एच नेक्स्ट क्या है आई ये मैं आपको इसलिए करवा रही ताकि आपको याद रहे बारग्राफ में छोड़ छोड़ के हिस्टोग्राम में साथ साथ में एच आई फिर क्या होता है एस फिर क्या होगा टी ओ जी आर ए लास्ट, एम ये हो गया हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम में यहाँ हमारे पास स्पेस नहीं होती यहाँ तक हमने ले लिया यहाँ आपके पास जितना मर्जी मेरे पास गैप होगा मैंने ले लिया आगे हमने बना दिया जितना फाइव फाइव का लो टेन टेन का लो जितना मर्जी ठीक है इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम अब जैसे यहाँ पे ये यह ट्राईरीज दे रखा है वो कहता है ऑब्जर्व करो हिस्टोग्राम को और क्वेश्चन के आंसर दो नीचे हमें क्वेश्चन भी दे रखे हैं अब यहाँ पे देखो ये जैक लाइन बना रखी है और ये हमें दे रखा है अब आपको देखते ही पता चल जाएगा इसमें डिफरेंस नहीं दे रखा है मतलब गैप नहीं दे रखा है तो दिस इज हिस्टोग्राम टाइप्स भी आपको पता होनी चाहिए राइट अब पाई चार्ट मोस्टली हम लोग बोलते हैं पाई चार्ट सर्कल ग्राफ आप लोगों को कमी बोला जाता है अब जो इंफॉर्मेशन हम एक सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम बोलते हैं पाई चार्ट, राइट विच इंफॉर्मेशन वी ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल दैट इज कॉल्ड सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट ये भी हम लोग करेंगे जी हम जब नेक्स्ट एक्सरसाइज में स्टार्ट करेंगे तो आपको करवा दूँगी अभी आज हमने जो भी किया है उसको आपने क्या करना है नोट करना है नोट कैसे करना है मैंने आपको बता दिया सबसे पहले ऊपर लेबलिंग करनी है चैप्टर की आपने उसके बाद डाटा की डेफिनेशन लिखनी है वो मैंने आपको बताई उसके बाद टाइप्स ग्राफिकल टाइप्स ऑफ टाइप्स टू रिप्रजेंट द डाटा वो लिखवाया था मैंने उसके बाद जैसे जैसे मैं आपको बोलती गई हूँ वो आपने बनाते जाना है राइट फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट आर नेक्स्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज फाइव पॉइंट वन ग्राफ्स आप अपने ले लेना आप और ताकि आपने ग्राफ करने हैं उसमें अगर ग्राफ्स होंगे तो है तो आपके पास ठीक है पाई चाट या आपके पास ग्राफ्स आई थिंक आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो पाई चाट के लिए आपको कंपस चाहिए होगी कम्पस पेंसिल इरेजर आप लोगों के पास होती ही है तो इसको अरेंज करके रखना है आप लोगों ने राइट थैंक यू